राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। बसपा इस चुनाव में सभी 200 सीट बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। बसपा इस चुनाव में सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इसमें से पार्टी 60 सीटों पर खास फोकस कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें हासिल की थी। हालांकि सभी विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा को उम्मीद है कि अगर चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले चुनाव में विधायकों के बागी होने के बाद बसपा ने इस बार उम्मीदवारों का चयन ध्यान से रखते हुए किया है। बसपा चीफ मायावती और पार्टी के प्रति वफादार नेता को ही उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बीते 5 सालों में हमने 60 सीटों पर अपनी ताकत लगाई है। हमारी कोशिश है कि चुनाव परिणामों के बाद सत्ता का संतुलन बना रहे। दिगर है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा सबसे बड़ी पार्टी है। साल 1998 के चुनाव में पहली बार 2 सीटें हासिल करने वाली बसपा का प्लान है कि विधायकों के टूटने की गतिविधियों से पार्टी सरकारों को बाहर से समर्थन नहीं देगी बल्कि सत्ता का साझेदार बनेगी। खबरों के अनुसार बसपा के एक सूत्र ने कहा कि अगर इस बार जरूरत पड़ी तो हम अपने विधायकों को मंत्री भी बनाएंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो बसपा ने 190 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 178 पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। इसके अलावा उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने राजस्थान में राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से चुनाव लड़ा। उसे 4.03% वोट भी मिले। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट किसी को मिले हैं तो वो बीएसपी है। बीएसपी को 14,35,858 वोट्स मिले थे। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बसपा भी राजस्थान की राजनीति में एक जाना माना नाम लगती है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को बसपा यानी मायावती की पार्टी कितना टक्कर देती राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नजर आती है।